शादी दुनिया तो का सबसे घटिया काम है। hmm. तो नहीं करनी थी तो तुम ना करते? तुमने कहा था तुमने भी कहा था अगर मुझे जिंदगी दोबारा मिले ना तो मैं मर के भी शादी ना करूं। मैं भी मैं तो फिर से पैदा ही ना होना चाहूं। मैं भी। दिमाग खाती हूँ मेरा दिमाग अब सातवें आसमान से उन्नीसवें आसमान पर पहुंच गया सारी जिंदगी में बस यही काम करती रहूं हर दूसरे दिन ये किसी ना किसी बात पर मूड ऑफ कर ले और मैं सीता बनकर इसके गिर चक्कर काटने शुरू कर दूं कश्यप तुम क्या खेल रही हो खा क्यों नहीं रही दिल नहीं जा रहा कुछ और ले लो फल ले लो कमाल जब गलती की है तो इंसान सॉरी कह देता है लेकिन नहीं ये कभी नहीं झुकेगी हर बार मैं ही झुकूं लेकिन इस बार तो मैं कभी नहीं झुकूंगा इतने हफ्ते बाद किए बगैर रह सकता हूं तो अब भी रह सकता हूं अपनी पैकिंग करनी है है। भी मैंने पैकिंग कर ली है। कश्यप um, तुम तो रुकोगी ना अभी कुछ दिन कल अम्मी के यहाँ जाऊंगी वहां एक दो दिन रुक कर फिर वापस चली जाऊंगी चलो वो खुश हो जाएंगी वैसे भी शादी के दिनों में तुम इतनी मसरूफ रही हो कि उनकी तरफ गई ही नहीं आई वॉन्ट टू थैंक यू तुमने सारा की शादी के दिनों में मुझे बहुत सहारा दिया अच्छा हुआ कि सब कुछ खैरियत से हो गया मैं बहुत खुश हूं सारा खुश है अब कुछ भी लो। तुम पछता रहे हो मुझसे शादी करके हाँ। क्योंकि मैं तुम्हारे सामने गलत बात पर नहीं झुकती क्योंकि तुम अपनी गलती जानते हुए भी माफी नहीं मांगती मैंने कोई गलती नहीं की ज़ारून और मैं आम औरतों की तरह अपने शौहर से गलत बात पर माफी मांगने में यकीन नहीं रखती यू नो व्हाट तुम सब वर्किंग वुमन का यही मसला है पता नहीं क्यों अपनी ईगो को अपना एसेट समझना शुरू कर देती हो तुम सही परसाते हो हमने एक दूसरे से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है तुम एक अलग सोच के आदमी हो तुम्हारी सोच तुम्हारे रवैये मुझसे बहुत ही मुख्तलिफ है तुम मेरे फीलिंग्स को कभी नहीं समझ सकते नहीं कश्यप मैं नहीं तुम्हें कोई भी समझ नहीं सकता क्योंकि तुम गलत हो ठीक है मर्दों को कभी औरतों के एहसासात की परवाह नहीं होती खास तौर पर उन औरतों की जो उनकी बीवियाँ होती हैं ना उन्हें परवाह होती है ना उनके पास हमारे बारे में सोचने का वक्त होता है मर्द सिर्फ़ गर्लफ्रेंड और महबूबाओं के बारे में सोचते हैं और ये अंदाज़ा मुझे बीवी बनने के बाद हुआ है